नमस्कार दोस्तों, अभी आप देख रहे हैं दैनिक लाइव न्यूज 24। नोखा रोहतास। शनिवार अहले सुबह से आकाश में बादल देख किसानों के ललाट पर चिंता की लकीरें दिखने लगी है। धान का फसल तैयार हो चुका है, कहीं कटनी शुरू हो गई है तो कहीं हार्वेस्ट का इंतजार हो रहा है। यदि वर्षा हो गया तो फसल को काफी नुकसान होगा, वही यदि वर्षा नहीं भी हुआ तो धान में कीड़े लगेंगे जो धान की बालियों को काट कर गिरा देते हैं। जबकि वर्षा हुआ तो खेत गीले हो जाएंगे जिससे रबी फसल की बुआई समय से नहीं हो पाएगा। ऐसे में किसान दो तरफा घाटे में रहेंगे। किसान अशोक सिंह, रामजी, रमेश सिंह, अजय कुमार आदि ने बताया कि ऐसे समय में बादल देख हम लोगों की परेशानी बढ़ गई है। खेतों में कटुआ कीट दिख रहे हैं जो धान की बलिया को कूतर कर गिरा देते हैं। जबकि वर्षा हो गई तो फसल कटाई में देर होगी जिसके कारण रबी की फसल पछात होगा। वही धान में नमी व धान के कलर में बदलाव की वजह से बिक्री में परेशानी व कीमत कम मिलेगा। वर्षा के कारण धान का पौधा गिर जाएगा जिससे धान सड़ने की भी संभावना है। डॉक्टर कुमार बताइए, ये आपने खेती की हुई है और इस तरह का जो मौसम का मिजाज बदल चुका है तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? इससे आपको अगर बारिश होता है तो आपको कितने नुकसान उठाना पड़ेगा? नुकसान तो ऐसे बहुत पड़ जाएगा। हम लोग साल भर में एक बार फसल उगाते हैं और ऐसे मतलब कि बदरी और बादल किए हैं तो अब वर्षा पड़ जाएगा तो नुकसान ही ना पहुँचेगा, तो हम लोग का नुकसान पहुँच जाएगा पड़ेगा। तो अब बताइए क्या करना पड़ेगा, मतलब कि साल में एक बार हम लोग गरीब आदमी हैं और फसल उगा रहे हैं साल में एक बार और एक ही बार उगा रहे हैं और उसी में हम लोग खाते हैं पीते हैं करते हैं सब जानते हैं। हम लोग के बारे में हम लोग गरीब आदमी किसान। ठीक है।